हाउ टू बी विक्टोरियस बाइबल स्टडी सीरीज का ये आखिरी सातवां सब्जेक्ट है, विषय है। और आज का जो विषय है वो ये है, शैतान को वो स्थान दो जिसके वह लायक है, और वो स्थान है आपके पैरों के तले। हालेलुया। प्यारो, आज हम सीखना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से। पहला समूएल 17वां अध्याय, गोलियात और दाऊद की स्टोरी से, परमेश्वर के वचनों से हम सीखेंगे कि शैतान का स्थान हमारे कदमों में है। प्यारो, कीप द डेविल वेयर ही बिलोंग्स अंडर योर फीट। शैतान का स्थान प्यारो आपके कदमों में है। कई मसीही प्रभु यीशु में उनका स्थान क्या है वह नहीं जानते, और इसीलिए वे शैतान को अपने से ज्यादा शक्तिशाली मान लेते हैं। प्रभु यीशु में हमारा स्थान क्या है वो जाने वो बहुत जरूरी है, ताकि हम ये जान पाए हमारे आगे शैतान का स्थान क्या है। हालेलुया। शैतान का स्थान क्या है प्यारो? शैतान का स्थान आपके सिर पर नहीं, आपके पैरों के तले है। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे विश्वास से बोलिए, शैतान का स्थान मेरे हर एक शत्रु का स्थान, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कमी घटी हो, चाहे कोई भी कर्जा हो, चाहे पारिवारिक प्रश्नों, कोई भी शत्रु क्यों ना हो, मेरे हर एक शत्रु का स्थान, शैतान का स्थान मेरे सिर पर नहीं, मेरे कदमों में है। हालेलुया। आज ये बात को प्यारो हम सीखना चाहते हैं। शैतान जरूर गर्जना करता हुआ सिंह है, लेकिन विश्वासी के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं। ध्यान से सुनिए, मैं विश्वासी बोल रहा हूं, हर एक के आगे की बात नहीं कर रहा। आज का वचन विश्वासी के लिए है, जिसने यीशु पर विश्वास किया है प्यारो, उसके आगे शैतान की, दुष्ट आत्माओं की, हमारे शत्रुओं की, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसकी कोई हैसियत, कोई भी औकात नहीं है। हालेलुया। इस बात को आज वचन से प्यारों हम सीखे। उससे पहले एक लड़की की कहानी हम आपको बताना चाहते हैं। एक लड़की थी और वो एक दिन जू में जाती है, चिड़ियाघर में जाती है, और वहां जाकर वो एंजॉय कर रही थी। एक के बाद एक पिंजरों के पास जाती और अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के पक्षियों को और प्राणियों को देखकर वो अपना समय वहां अच्छे से बिता रही थी। प्यारो, ये लड़की एक के बाद एक पिंजरों को देखते देखते आगे बढ़ ही रही थी, तब उसकी नजर एक विशेष पिंजरे के ऊपर पड़ी जिसमें एक सिंह को रखा गया था, और उसने देखा कि एक बड़ा और डरावना सिंह वहां पर है, और तुरंत ही वो पिंजरे के करीब गए, और जैसे ही वो सिंह ने इस लड़की के कदमों की आवाज को सुना, वो तुरंत खड़ा हो गया और गर्जना करने लगा, और ये लड़की डर गई और पिंजरे से थोड़ी पीछे हट गई, और वहां खड़ी खड़ी वो सिंह को देख रही थी। प्यारो ये लड़की वहां खड़ी खड़ी सिंह को देख ही रही थी, उतने में वो पिंजरे का सफाई कर्मी वहां पर आया, और उसने पिंजरे पर लगाए गए लॉक को खोला, वो अंदर गया, और तुरंत अंदर से फिर से उसने पिंजरे को लॉक कर दिया। प्यारो, वो सफाई कर्मी अंदर जाकर पिंजरे की सफाई करने लगा। लड़की ये सब देख रही थी और वो मन में डर रही थी, वो चिंता में थी कि कहीं ये सिंह ये सफाई कर्मी को कुछ हानि न पहुंचाए। और सफाई कर्मी की ओर उसने जब देखा, सफाई कर्मी के मुंह पर कोई भी चिंता या तो डर उसे नहीं दिखाई दिया। वो शांति से अपना काम कर रहा था, साफ सफाई कर रहा था, और धीरे धीरे सफाई करते करते वो सिंह के पास उसके करीब पहुंच गया, और जब वो सिंह के करीब पहुंचा, उसने अपने झाड़ू से सिंह को थोड़ा धक्का लगाया, और वो सिंह उसके आश्चर्य के बीच अपनी जगह से थोड़ा खिस गया, और सफाई कर्मी वहां सफाई करने लगा।
और ये लड़की ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो रही थी। उसे मन में ये ख्याल आ रहे थे, ये सिंह ये सफाई कर्मी को कुछ हानि क्यों नहीं पहुंचा रहा, ये बड़ा डरावना लगने वाला सिंह ये सफाई कर्मी को कुछ हानि क्यों नहीं कर रहा। उसने उस सफाई कर्मी से पूछा, क्या आपके पास कोई विशेष हथियार है जिसके डर के कारण ये सिंह आपको कोई हानि नहीं पहुंचा रहा। सफाई कर्मी ने उसे जवाब दिया, ना मेरे पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जिससे मैं ये सिंह को अंकुश में कर सकूं या तो उसे डरा सकूं। लड़की ने पूछा, तो फिर ये सिंह पालतू होगा? वो सफाई कर्मी ने जवाब दिया, ना ये सिंह पालतू नहीं है, ये जंगली है। वो लड़की और आश्चर्यचकित हो गई, ये सिंह पालतू नहीं है, ये सफाई कर्मी के पास कोई विशेष हथियार नहीं है, तो फिर ये सिंह उसे हानि क्यों नहीं पहुंचा रहा। लड़की ने वो सफाई कर्मी से ये प्रश्न किया। प्यारो, सफाई कर्मी ने लड़की को जो जवाब दिया उसे हमें ध्यान से सुनना है। सफाई कर्मी ने लड़की से कहा, ना ही यह सिंह पालतू है, ना ही मेरे पास कोई हथियार है, फिर भी ये सिंह मुझे हानि इस कारण से नहीं पहुंचा रहा क्योंकि यह सिंह बूढ़ा हो चुका है, उसमें अब कोई ताकत नहीं है। वो भले ही डरावना दिखता हो लेकिन उसके पास अब दांत नहीं है, भले ही वो जोर जोर से गर्जना करता हो लेकिन उसमें अब कोई भी ताकत नहीं है मुझे हानि पहुंचाने की, वो अब निर्बल हो चुका है। हालेलुया। प्यारो, इसी प्रकार प्रभु यीशु ने शैतान को हरा दिया है, अब उसमें कोई ताकत नहीं है, अब उसमें कोई बल नहीं है। हाँ, वो गर्जना कर सकता है, हाँ वो आपको डरा सकता है प्यारो, लेकिन आज हमें जान लेना है शैतान का स्थान हमारे सिर पर नहीं है, उसका स्थान हमारे कदमों में है। हालेलुया। आइए प्यारो, इस आयत को हम मिलकर पढ़े, रोमियो उसका 16वां अध्याय और 20वीं आयत। आइए हम पढ़े, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर की दृष्टि में शैतान का स्थान हमारे पैरों के तले है। हालेलुया। और आज इस बात को हम दाऊद के जीवन से सीखना चाहते प्यारो, हम दाऊद के जीवन से सीखेंगे कि वह शत्रु को किस नजरिए से देखता था और उसके पीछे कौन सी वजह थी। दो बातें हम सीखना चाहते हैं, दाऊद का नजरिया क्या था गोलियात को देखने का, और वो उस तरह से क्यों देख पाया, उसके उस नजरिए के पीछे कौन सी वजह थी, वो भी हम सीखेंगे। आई शायद को हम मिलकर पढ़े, पहला समुएल उसका 17वां अध्याय और 26 शायद। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस पलिश्ती को मार के इसराइलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, वह खतना रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। दाऊद कहता है वो क्या है, दाऊद की नजरों में गोलियात की कोई वैल्यू नहीं थी, दाऊद की नजरों में गोलियात की कोई हैसियत औकात नहीं थी। हालेलुया। आइए एक और आयत को हम प्यारो मिलकर पढ़ना चाहते हैं, पहला समूएल 17वां अध्याय और 36 आयत। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। दाऊद कहता है जैसे मैंने भालू को मारा था, सिंह को मारा था, ये गोलियात की भी वो ही दशा होगी, वो मेरे आगे कोई बिसात में नहीं है, उसकी मेरे आगे कोई हैसियत औकात नहीं है। दाऊद की नजरों में प्यारो उसका शत्रु कोई भी मायने नहीं रखता था। हालेलुया। दाऊद कहता है उसका भी मैं वो ही हाल करूंगा जो मैंने सिंह और भालू का किया था। दूसरे योद्धा प्यारो शत्रु गोलियात को देखकर डर गए थे,
उनके मन कच्चे हो गए और वे वहां से भाग जाते थे, उनके लिए गोलियात बड़ा वीर योद्धा था। दूसरे जो योद्धा थे वो गोलियात को देखकर भाग जाते थे क्योंकि उनकी दृष्टि में, उनके नजरिए से गोलियात बड़ा और वीर योद्धा था, अजय था। लेकिन दाऊद के मन में शत्रु गोलियात की कोई हैसियत और कात नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। हालेलुया, दाऊद का नजरिया पूरा अलग था दूसरे सैनिकों से। प्यारो हम आपको ये प्रश्न आज पूछना चाहते हैं, आप किसके समान हो? दूसरे इजरायली सैनिकों के समान जो गोलियात को बड़ा वीर योद्धा मानते थे, अजय मानते थे, या दाऊद के समान जो अपने शत्रु को अपने कदमों के तले समझता था, जो समझता था उसका शत्रु गोलियात उसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई उसकी हैसियत नहीं है? आप इन दोनों में से किसके समान हो कि आप अपनी बीमारी को इतनी बड़ी मानते हो कि आप ये मान लेते हो कि मैं इसके ऊपर विजय नहीं पा सकूंगा? आपका कौन सा ऐसा शत्रु है जिसको आपने अपने सिर पर बिठाया है? क्या आप दाऊद के समान आज ये कहने के लिए तैयार हो, मेरा शत्रु कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो मेरे आगे कुछ भी नहीं है? हालेलुया, दाऊद का ये नजरिया था। आपका क्या नजरिया है? प्यारो दाऊद छोटा होने पर भी दूसरे सैनिकों से वो कद में बहुत छोटा होगा, अभी तो वो बच्चे जैसा था। दाऊद छोटा होने पर भी पूरी तरह से शस्त्र सज्जित 9.5 फीट के गोलियात से क्यों नहीं डरा? ऐसी कौन सी बात थी दाऊद के अंदर जिसके कारण उसका नजरिया दूसरों से एकदम अलग था? वो नहीं डरा, वो शत्रु को कुछ भी नहीं समझता। उसके इस नजरिए के पीछे वजह कौन सी थी? दाऊद के नहीं डरने के विषय में वचन हमें दो बातें बताता है प्यारों, दो वजह बताता है, और वो दो वजह हम सीखेंगे आज। क्यों दाऊद अपने शत्रु को देखकर नहीं डरा, उसका नजरिया क्यों इतना अलग था, उसके नजरिए के पीछे दो वजह थी। सबसे पहली वजह यह थी कि दाऊद का विश्वास था कि जब परमेश्वर के लोग युद्ध करने जाते हैं तो वे अकेली सेना, ध्यान से सुनिए प्यारो, वह अकेली सेना या तो बेचारी सेना नहीं होते, वो अकेले नहीं होते, वो बेचारे नहीं होते, वे लाचार नहीं होते, वे कमजोर नहीं होते, वो अकेली सेना या तो बेचारी सेना नहीं होती, तो कौन सी होती है? वह परमेश्वर की सेना होते, मतलब कि परमेश्वर खुद उनका सेनापति बन के उनके साथ रहता है। हालेलुया, दाऊद का ये नजरिया था, दाऊद का ये मानना था कि परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर का नाम जुड़ा है। वो अकेले बिचारे लाचार हारे हुए नहीं है, वे परमेश्वर की सेना है। आइए हम वचन से देखें दाऊद ने क्या कहा प्यारो, और उससे हम समझेंगे दाऊद के नजरिए के पीछे की वजह को। पहला समूह 17:26 यहां पर लिखा है, वह खतना रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। वो परमेश्वर की सेना को अकेली लाचार बेचारी नहीं मानता था, वो मानता था कि वो परमेश्वर की सेना है, परमेश्वर उनके साथ है। 36 उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया, प्यारो दाऊद का ये मानना था, ये उसका विश्वास था, परमेश्वर के लोग अकेले बिचारे लाचार हारे हुए कमजोर नहीं है, क्योंकि वो सेना है जिसके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर की वो सेना है। हालेलुया, और जिसके साथ जिंदा खुदा है उसे कोई भी हरा नहीं सकता, चाहे 9.5 फीट का शस्त्र सज्जित गोलियात भी उनके सामने क्यों ना खड़ा हो। हालेलुया, पहला समूएल 17:45 आइए हम मिलकर इस आयत को पढ़े। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। दाऊद कहता है गोलियात को, तूने मुझे नहीं ललकारा,
तूने इजरायली सेना को नहीं ललकारा, तूने किसे ललकारा है? इजरायली सेना के परमेश्वर को, क्योंकि वो ये सेना का सेनापति है। ये सेना अकेली नहीं है, वो परमेश्वर की सेना है। इजरायली सेना का परमेश्वर इजरायली सेना के साथ है। हालेलुया। जो प्यारो आपको ललकारता है वह परमेश्वर को ललकारता है। इस बात को आप समझ लीजिए प्यारो, अकेली सेना बराबर शत्रु ताकतवर। जब सेना अकेली होती है, जब आप अकेले होते हो, तब शत्रु ताकतवर होगा और करारी हार मिलेगी। लेकिन जब कोई सेना के साथ, जब कोई व्यक्ति के साथ, जब कोई विश्वासी के साथ परमेश्वर जुड़ जाता है, जब परमेश्वर की सेना वो बन जाती है, तब शत्रु कमजोर हो जाता है और अद्भुत विजय मिलता है। हालेलुया प्यारो, आप अकेले नहीं हो, आप अकेली सेना, बिचारी सेना नहीं हो, आप परमेश्वर की सेना हो, आप परमेश्वर के बेटे हो, परमेश्वर की बेटी हो। और इसीलिए शत्रु आपसे बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके साथ परमेश्वर खुद खड़े हो तब उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती और उसकी कोई औकात नहीं रह जाती। हालेलुया, आज आनंद करें। आप अकेले बिचारे लाचार व्यक्ति नहीं हो प्यारो, आप परमेश्वर के बेटे हो, आप परमेश्वर की सेना हो। हालेलुया। इस बात को हम और अच्छे से समझना चाहते हैं। दाऊद दूसरों की नजर से कैसा था? आप इसको ध्यान से देखिए प्यारो। दाऊद दूसरों की दृष्टि में ये था, एकदम छोटा, अकेला, निर्बल और निहत था। ये दाऊद दूसरों की नजर में था। जब दाऊद और गोलियात को लोग देखते होंगे तब ये पिक्चर उनको दिखाई देता होगा। लेकिन दाऊद का क्या मानना था? दाऊद का ये मानना था, दाऊद का नजरिया ये था प्यारो, दाऊद अपने आप को ये मानता था प्यारो, वो मानता था वो परमेश्वर की सेना है, वो बलवान है, स्वर्गीय शस्त्रों से सज्जित है। परमेश्वर खुद, परमेश्वर की सेना खुद उसके साथ है, वो अकेला नहीं है। हालेलुया प्यारो, क्या आप यह विश्वास रखते हो कि आप अकेले नहीं, परमेश्वर आपके युद्धों में आपके साथ है? क्या ये विश्वास आपके दिल में है दाऊद के समान? क्या दाऊद के नजरिए से आप अपने शत्रु को देख पाते हो प्यारो, या औरों के नजरिए से शत्रु को देखते हो? आइए आज से दाऊद के नजरिए से देखें शत्रु को। क्या प्यारो आप में यह विश्वास है? आप अकेले नहीं, परमेश्वर आपके युद्धों में आपके साथ है। आज से याद रखें कि आप अकेले नहीं, आप परमेश्वर की सेना हो। दाऊद का ये मानना था, परमेश्वर के लोग अकेले नहीं, बिचारे नहीं, लाचा नहीं, वो अकेली सेना नहीं, वो परमेश्वर की सेना है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। हम आपको कहना चाहते हैं प्यारो, आपके जीवन के युद्धों में आप भी अकेले नहीं, बिचारे, लाचार, हारे हुए, निर्बल नहीं, आप परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर की सेना हो, जिसके साथ परमेश्वर खुद है। हालेलुया। और जब आपके साथ परमेश्वर है, विजय आपका है। हालेलुया। दूसरी वजह यह थी, दाऊद परमेश्वर ने दिए हुए अद्भुत विजयों को भूला नहीं था, और वो ही अनुभवों के आधार पर दाऊद गोलियात को कोई भी विसात में नहीं गिनता। दाऊद पिछले अनुभव को भूले हुए नहीं था। कौन से अनुभव? आइए शायद को हम मिलकर पढ़े, पहला समूएल 17:36। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना रहित पलिस्ती उनके समान हो जाएगा। दाऊद को जो परमेश्वर ने विजय दिए थे, सिंह के ऊपर, भालू के ऊपर परमेश्वर ने जो विजय दिया था दाऊद को, वह विजयों को भूला नहीं था, पिछले अनुभवों को भूला नहीं था, प्रभु के कामों को भूला नहीं था, प्रभु कैसे विश्वास योग्य बने रहे उससे वो भूला नहीं था। और वो ही बात थी जो दाऊद को गोलियात के सामने खड़े होने के लिए बल प्रदान करती थी। हालेलुया। क्या प्यारो आप परमेश्वर ने आपको दिए हुए अद्भुत विजयों को याद रखते हो?
पिछले अनुभव को, प्रभु ने कैसे बीमारी से बाहर लाए थे आपको, प्रभु ने कैसे जरूरतों की पूरी पूर्ति की थी, कैसे आप हर जगह से जब निराश थे परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता किया था, क्या वो अनुभव को आपने याद रखा है प्यारो या वो भूल गए? दाऊद उसे याद रखे हुए था। और जब प्यारो युद्ध का समय हो तब वह पुराने अनुभवों को आधार बनाकर आप दृढ़ता से खड़े रहते हो। पुराने अनुभव, पुराने विजय प्यारो, उसे हमें भुलाना नहीं है, उसे हमें याद करना है, उसे आधार बनाकर ही हम आज के युद्धों में खड़े रह पाएंगे, उसे भुलाना नहीं है प्यारो। परमेश्वर ने प्यारो जब मन्ना दिया, सब आयत नहीं पढ़ेंगे समय बचाने के लिए, तब प्रभु ने उनके लोगों को ये बात कही थी। प्रभु ने कहा था निर्गमन उसका अध्याय 16 और सीधी में 32 शायद पढ़ूंगा। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी है वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकाल कर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी कि लोगों को बताना है कि थोड़ा मन्ना इकट्ठा करके रखो, बचाए रखो। क्यों? वो याद दिलाएगा जब आपके पास खाना नहीं था, परमेश्वर ने आपको खिलाया था। प्रभु ये चाहते थे कि उसके लोग उनके उपकारों को भूले नहीं, जो बड़े काम प्रभु ने किए थे उसे भूले नहीं, और निशानी के रूप में प्रभु ने उनको बोला ये मन्ना को रखना, ताकि वो निशानी से आप आपको याद आए प्रभु विश्वास योग्य है। प्यारो आप जब भी प्रभु विजय देते हैं आपको, आपकी जरूरतों की पूर्ति करते हैं, आपके लिए कोई अद्भुत काम करते हैं, कोई निशानी रखिए, बाइबल में लिख कर रखिए, आपकी नोटबुक में लिख कर रखिए, तारीख के साथ लिखिए कि प्रभु ने मुझे ये प्रॉमिस दी थी और इस युद्ध में प्रभु ने मुझे ऐसे विजय दिया, मेरी ये जरूरतों की पूर्ति की, मेरे लिए द्वार खोले, जब सब जगह से मना कर दिया था कोई ने भी मदद करने के लिए, प्रभु मेरी मदद बना। आप लिख कर रखिए, ताकि भविष्य में जब आपको युद्धों से होकर गुजरोगे वो ही बात आपको बल प्रदान करेगी। हालेलुया। प्यारो भजन संहिता 106 और 6वीं आयत में परमेश्वर का दास कहता है हमने पाप किया है, 7वीं आयत में कहता है तेरे आश्चर्य कर्म पर मन नहीं लगाया, 13वीं आयत में कहता है परमेश्वर का वचन परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए। प्यारो हम परमेश्वर के कामों को भूलने वाले न बने, उसके कामों को याद रखें। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है भजन संहिता 103 और दूसरी आयत में, आइए हम मिलकर पढ़े। प्रभु का वचन कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हमें उसके उपकारों को, जो विजय प्रभु ने हमें दिए थे, जो महान काम हमारे लिए किए थे, दाऊद के समान याद रखना है प्यारो। प्यारो हम ये प्रश्न भी आपको करना चाहते हैं, क्या आप परमेश्वर ने आपको दिए हुए अद्भुत विजय को याद रखते हो? प्यारो दाऊद ने जैसे याद रखा था, क्या आप परमेश्वर ने दिए हुए विजय को याद रखा है? प्यारो क्यों हमें याद रखना है? क्योंकि कल के विजय, ध्यान से सुनिए, क्योंकि कल के विजय आज के युद्धों में विजय की ओर बढ़ने की ताकत प्रदान करेंगे। हालेलुया। दाऊद ने जो विजय को हासिल किया था, सिंह को मार के, भालू को मार के, वही बातों को याद करके उसे आज बल मिलता था गोलियात के सामने खड़ा रहने का। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ता हूं, कल के विजय आज के युद्धों में विजय की ओर जाने के लिए, बढ़ने के लिए ताकत प्रदान करेंगे। हालेलुया। आइए प्यारो आज हम दाऊद के समान याद रखें कि हम परमेश्वर की सेना, परमेश्वर के बेटे बेटी है, जिनके साथ परमेश्वर है उनके आगे शत्रु की कोई हैसियत नहीं। दो बातें, पहली बात हम परमेश्वर के बेटे बेटी है, परमेश्वर हमारे साथ है, और हमारे आगे जो शत्रु है उसकी हमारे आगे कोई हैसियत नहीं है। और दूसरी बात, और साथ ही
प्रभु ने दिए हुए विजयों को हमेशा याद रखें, जिससे हमें युद्धों को लड़ने की और भी ताकत मिले। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है प्यारो, प्रभु चाहता है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से सिद्ध कुचलवा देगा। परमेश्वर ने शैतान का स्थान, बीमारी का स्थान, कर्जे का स्थान, दुष्ट आत्माओं का स्थान, चिंता का स्थान, निराशा, डिप्रेशन का स्थान, जो भी हमारे शत्रु है उसका स्थान हमारे पैरों के तले रखा है प्यारो। हालेलुया प्यारो, आइए हम आज से अपने नजरिए को बदले प्यारो। दाऊद के समान हमारा नजरिया बनाए। दूसरे योद्धा गोलियात को बड़ा वीर योद्धा मानते थे, लेकिन दाऊद उसको कुछ भी नहीं मानता था। वो कहता है वो क्या है, उसकी कोई मेरे आगे हैसियत नहीं है। आइए हमारे नजरिए को बदले, शत्रु को हम परमेश्वर के नजरिए से देखें। परमेश्वर उसे कहाँ देखता है वैसे हम देखें प्यारो। उसे सिर पर ना बिठाए, हमेशा ये ना कहे कि शत्रु ताकतवर है, मैं कुछ नहीं, मैं ये परिस्थिति के आगे कुछ नहीं, मैं निर्बल हूँ, अकेला हूँ। आप अकेले, निर्बल, कमजोर, निहत्थ नहीं हो प्यारो। आप अकेली सेना नहीं हो, आप परमेश्वर की सेना हो। हालेलुया, परमेश्वर खुद आपके साथ है। और जब परमेश्वर आपके साथ है, आखिर में विजय आप ही का है प्यारो। आखिर में शैतान को, दुष्ट आत्माओं को, आपकी तकलीफों को, हर एक शत्रु को आप अपने पैरों के तले कुचला हुआ जरूर देखोगे। हालेलुया, आइए आज से नजरिए को बदले प्यारो हमारे। और परमेश्वर ने जो अद्भुत काम हमारे लिए किए है, आज तक जो विजय को दिया है, उससे भुला न देते हुए याद रखे, ताकि आज भी और आने वाले कल में भी वो हमारा बल बन जाए। हालेलुया, फिर से प्यारो हम आपको कहना चाहते हैं, शैतान को वो स्थान पर रखो, आपके शत्रु को वो स्थान पर रखो जिसके वो लायक है आपके पैरों के तले। हालेलुया, हाय प्यारो, हम प्रार्थना में जाए, अपनी आंखों को बंद करें प्यारो। आज हम ये हाउ टू बी विक्टोरियस बाइबल स्टडी सीरीज को हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं प्यारो, आज से आपका नजरिया पूरी रीति से बदल जाए। आपके शत्रु को देखने का नजरिया आज से दाऊद जैसा हो जाए, जिसने गोलियात को देख कर ये नहीं कहा हो कितना बड़ा वीर, कितना बड़ा योद्धा। दाऊद ने कहा ये गोलियात कौन है। दाऊद की नजरों में उसका शत्रु कुछ भी महत्व नहीं रखता था, उसकी नजरों में उसका शत्रु कुछ भी नहीं था। आइए आज से हमारे नजरिए को बदले, हाथ उठाकर कहे प्रभु मेरे नजरिए को बदल दे, आज से मेरे शत्रु को वो स्थान पर रखूं जो तू चाहता है, मेरे पैरों के तले, मैं उसे सिर पर नहीं बिठाना चाहता। मैं ये नहीं कहूंगा मेरा शत्रु ताकतवर है, मेरी बीमारी बहुत ही जिद्दी है। मैं ये नहीं कहूंगा मेरा खर्चा बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा डिप्रेशन, वो उसके आगे मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा शत्रु मुझसे ताकतवर है। आप प्रभु से कहे प्रभु आज से मैं ये कहूंगा दाऊद के समान, मेरा शत्रु मेरे आगे कुछ भी नहीं है। हाथ उठाकर कहिए प्रभु मेरा नजरिया तू बदल दे, प्रभु मैं शत्रु को दाऊद के समान, दाऊद के नजरिए से देखो। प्रभु तू अनुग्रह दे, हाथ उठाकर कहे, मांगे प्रभु से, कहे प्रभु मैं आज से मेरे शत्रु को वो स्थान पर रखना चाहता हूँ जो स्थान आपने तय किया है। आज तक मैंने मेरे शत्रु को बहुत बड़ा मनाया, बहुत महत्व दिया। प्रभु आज तक मैंने ये माना मैं अकेला हूँ, निहत्ता हूँ, मैं कमजोर हूँ, लेकिन दाऊद के समान मैं ये नहीं समझ पाया मैं परमेश्वर की सेनाओं में परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं जिसके साथ परमेश्वर है। प्रभु यह अनुग्रह दे, दाऊद के समान मेरा नजरिया बने। प्यारों हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। आइए प्यारों हम प्रार्थना में जाए। परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको लेकर आपके चरणों में आते हैं। हम क्षमा मांगते परमेश्वर, हमारा नजरिया दाऊद के जैसा नहीं, हमने अपने शत्रु को हमेशा सिर पर बिठाए रखा है, जबकि आप चाहते हो कि हम शत्रु को हमारे पैरों के तले कुचल दे। प्रभु हमें क्षमा करिए, हमने शत्रु को ज़्यादा महत्व दिया, हमने हमारे प्रश्नों को, समस्याओं
को, हमारे शत्रु को हमेशा बड़ा माना और हमने ये माना कि हम कमजोर है, हम में ताकत नहीं। लेकिन परमेश्वर आज जैसे हमने दाऊद से सिखाए, उसका नजरिया पूरा अलग था। उसने कहा कि ये गोलियात कौन है, दाऊद के सामने उसका शत्रु कुछ भी नहीं था। दाऊद ये मानता था उसके सामने उसके शत्रु की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर है। वो परमेश्वर की सेना है, अकेली सेना नहीं, परमेश्वर का बेटा है, अकेला नहीं है। प्रभु आज से हमें अनुग्रह दीजिए कि हम भी हमारे जीवन में ये बात को, ये विश्वास को, ये नजरिए को लेकर आगे बढ़े कि हम अकेले नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु जैसे दाऊद ने आपने दिए हुए विजय को नहीं भुलाया, उसे याद रखा, और वो ही विजय उसे गोलियात के सामने जाने के लिए मदद रूप हुए, बल प्रदान करने वाले बने। हमें ये अनुग्रह दीजिए कि आपने किए हुए बड़े कामों को हम न भूले, उसे याद रखें, क्योंकि कल के विजय आज के लिए हमारा बल बन सकते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता इन सभी के लिए। प्रभु जिनको भी लग रहा है उनका शत्रु बड़ा है, जिनको भी लग रहा है उनका शत्रु अजय है, जिनको भी लग रहा है उनके शत्रु पर वे विजय नहीं पा सकेंगे, आज से उनका मन और हृदय और विचारों का पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा आप ले लीजिए और उनके नजरिए को बदल कर उन्हें विजेता बनाए, विजयवंत बनाए, उनकी हार विजय में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर वो शत्रु को सिर पर बिठाने वाला नहीं, लेकिन शत्रु को अपने पैरों के तले कुचलने वाले और विजय पाने वाले बने। हमारी ये दुआ यीशु मसीह के नाम से आप कबूल करें प्यारे पिता, आमेन और आमेन। परमेश्वर प्यारो आप सभी को आशीषित करें। ये बातें और जितनी भी बातें अभी तक हमने सीखी है, आप जरूर उस पर ध्यान दीजिएगा, अमल में लाएगा, ताकि परमेश्वर सही मायने में आपको विजयवंत जीवन दे। आमेन, हालेलुया।